चलिए अब एक नए टॉपिक पर बात करते हैं जिसका लिखा हूँ जीरो फील्ड स्प्रेडिंग और क्रैमर्स डिजेनरेसी। दोनों एक दूसरे से संबंधित टॉपिक है इसलिए एक साथ लिखा गया है। हालांकि दो अलग नाम हैं, दो अलग डेफिनेशन हैं, बट दोनों के दोनों एक साथ संबंध एक दूसरे से रिलेटेड टॉपिक है इसलिए एक साथ लिख दिया गया है। ठीक है, जरा देखिए क्रैमर डिजेनरेसी या पहले जीरो फील्ड स्प्रेडिंग कब यूज़ होता है? जब नंबर ऑफ ऐसा लिख सकते हो व्हेन नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन आर ग्रेटर देन वन हो तब ये केस लगता है। नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन वन हो तब ये केस लगता है। ठीक है, इसमें दो केस होते हैं कि हो सकता है नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन वन है, बट वो दो तरह से वेरी कर सकता है। हो सकता है ये इवन नंबर का मतलब क्या हुआ, जैसे एक से ज़्यादा मतलब दो चार छः ऐसे। हालांकि दो बार एग्जांपल देख लेंगे तो भी समझ में आ जाएगा। और दूसरी बात बोल रहा हूँ, हो सकता है वो ऑड नंबर हो। ऑड नंबर का मतलब हो गया कि यहाँ पर वो एक से ज़्यादा मतलब तीन पाँच सात इस तरह से, तीन वाला ही देखेंगे अपन तो जिससे क्लियर हो जाएगा। तो इसमें होता क्या है पहले इसको देख लीजिए। मान लीजिए यहाँ पर हम लोग दो वाले को चुने हैं, दो वाले को समझाते हैं। मान लो तो दो वाले को समझाते हैं तो यहाँ देखिए हम लोग ये एक ऐसा फील्ड है जब ऐसा स्प्लिटिंग है जब हम कोई भी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई ना करें, वो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होने के कारण है, एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होने के कारण उनका जो इलेक्ट्रॉन का ही फील्ड इतना अच्छा हो जाता है कि वो स्प्लिटिंग करने लगता है ना, जीरो बिना किसी बाहर एक्सटर्नल फील्ड के। तो ऐसे स्प्लिटिंग को हम लोग बोलते हैं जीरो फील्ड स्प्लिटिंग। तो यहाँ पर जीरो फील्ड स्प्लिटिंग का मतलब होता है स्प्लिटिंग इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। मतलब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के एब्सेंस में जो स्प्लिटिंग है उसको हम लोग बोलते हैं जीरो फील्ड स्प्लिटिंग। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के एब्सेंस में जो स्प्लिटिंग है वो कहलाता है जीरो फील्ड स्प्लिटिंग। शॉर्ट में लिख देता हूँ जीरो फील्ड स्प्लिटिंग, या पूरा कर लेंगे पूरा फुल नेम जीरो फील्ड स्प्लिटिंग। और ये केस तभी अप्लाई होता है जब नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन वन हो। ग्रेटर देन वन में दो केस हो सकते हैं, इवन नंबर और ऑड नंबर। तो क्रैमर डिजेनरेसी शब्द अभी क्लियर नहीं हुआ है, अभी मैं बोल रहा हूँ बिना किसी मैग्नेटिक फील्ड के अप्लाई किए जब एक तरह से खुद के इलेक्ट्रॉन के कॉम्बिनेशन के कारण या जो रिजल्ट जो है इलेक्ट्रॉन के स्पिन का उनके कारण जो स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल होता है उसको हम जीरो फील्ड स्प्लिटिंग बोलते हैं। ठीक, जैसे सपोज करो एक आध एग्जाम्पल ले लिया जाए। मान लो यहाँ पर अनपेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या दो है, ठीक है दो है, तो फिर क्या होगा, इनका जो टोटल स्पिन क्वांटम नंबर है वो प्लस ऑफ, दोनों सेम डायरेक्शन दे प्लस ऑफ, ये हो गया वन। अब वो कितने में टूटेगा इसको निकालना हो तो ट्वाइस एस प्लस वन में रखें और टू इंटू वन प्लस वन मतलब तीन में टूटेगा। तो यहाँ पर एक्चुअल में जो लाइन है वो तीन है, ऐसा तीन है। जब वो टूटेगा सेपरेट होगा तो क्या होगा, सेपरेट होगा तो याद रखें एक जीरो का बनेगा और एक होता है वो प्लस माइनस वन का बनेगा, क्योंकि इसका जो आंसर है इसमें वन आया। अब इसके जो स्पिन क्वांटम नंबर जो वैल्यू है जो भी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का मैग्नेटिक फील्ड में स्पिन क्वांटम नंबर है ये, तो ये क्या हो गया टोटल एस हो गया। अब इसका जो वैल्यू है प्लस वन से प्लस वन माइनस वन और जीरो होता है, प्लस वन माइनस वन और जीरो। तो देखो जीरो अकेला रहेगा और प्लस वन माइनस वन एक साथ रहता है, हमेशा ऐसे ही होता है क्योंकि कमज़ोर फील्ड है इसलिए पूरी तरह ये भी अलग अलग सेपरेट नहीं हो पाता है। ठीक है जी, ये भी अलग अलग सेपरेट नहीं हो पाता है तो इसको हम लोग हमेशा डबली डिजनरेट बोलते हैं। और यहाँ देखिए कि हमेशा जो जीरो को छोड़कर बाकी सब क्वांटम नंबर हमेशा इस जीरो फील्ड स्प्लिटिंग में डबल लाइन के साथ होगा, मतलब दो क्वांटम नंबर एक साथ होंगे, तो मतलब डबली डिजनरेट बोलते हैं, मतलब दो लेवल एक ही एनर्जी में होंगे। तो इसी डिजनरेसी को ही डबली डिजनरेसी मतलब सेम लेवल पर डिजनरेट, मतलब सेम लेवल, दो सेम लेवल को हम डिजनरेट बोल सकते हैं। तो एक ही एनर्जी पर दो सेम लेवल हैं, दो लेवल हैं, तो ऐसे केसेस को हम लोग बोलते हैं डबली डिजनरेट। डबली मतलब दो और डिजनरेट मतलब है कि सेम एनर्जी का। ठीक है जी, तो अब आप देखिए ऐसा होने के बाद सिचुएशन ये है कि यहाँ से अगर मैं बात करूँ कि मान लीजिए अब और इलेक्ट्रॉन की संख्या दो के बजाय और में तीन है, एक दो तीन, तो तीन है तो फिर जो टोटल स्पिन होगा वो थ्री बाई टू हो जाएगा, हाफ हाफ हाफ,
और 3/2 को अगर मैं स्पिन इस फॉर्मूला रखूँ ट्वाइस एस प्लस वन में, तो इससे कितना में टूटेगा वो संख्या निकल जाएगा, 3/2 प्लस वन ये कटा और तीनों टिक चार में टूटेगा। अब जब चार में टूटेगा वो ठीक है, लेकिन कैसे निकालूँ चार को, तो यहाँ से देखो प्लस माइनस 3/2 प्लस माइनस 3/2 में कम कर दो 1/2 और जीरो नहीं आएगा, क्योंकि यहीं से चार हो गया, दो दो चार, जीरो नहीं आएगा यहाँ, जब ये ऑड नंबर आता है जीरो नहीं आता, इसका मतलब यहाँ पर कितने, एक दो तीन चार है। अब चार में से दो लाइन एक तरफ, दो लाइन एक तरफ, प्लस माइनस हाफ यहाँ, तो प्लस माइनस 3/2 यहाँ, तो क्योंकि ये कमजोर फील्ड का स्प्लिटिंग है इसलिए ऑलवेज डबल लाइन एक साथ मिलेंगे, तो ये सेपरेट नहीं हो पाते हैं, सेम क्वांटम नंबर के जो प्लस माइनस है वो एक साथ, सेम क्वांटम नंबर के प्लस माइनस एक साथ, तो ऐसी डिजनरेसी को ही हम लोग डबली ये क्रेमर डिजनरेसी नाम देते हैं साइंटिस्ट के नाम पर, है ना। अब अपने को मालूम है कि दोनों में सिलेक्शन रूल डेल्टा एम एस जो है वो होता है प्लस माइनस वन, तो प्लस माइनस वन होता है, देखो यहाँ से यहाँ सिग्नल होगा ट्रांजिशन 0 से 1, और यहाँ से प्लस हाफ से 3/2 यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन होगा, हाफ से 3/2 और 0 से 1, 0 से 1 हाफ से 3/2 ऐसा ट्रांजिशन होगा। तो इस ट्रांजिशन में आप देख रहे हैं, हाँ 0 से 1 प्लस माइनस 1 और हाफ से 3/2 ऐसा ट्रांजिशन होगा, और इसका मतलब यहाँ भी एक सिग्नल, यहाँ भी एक सिग्नल बिना किसी मैग्नेटिक फील्ड के, और यहाँ पर भी एक सिग्नल, एक सिग्नल बिना किसी मैग्नेटिक फील्ड के, मैग्नेटिक फील्ड के बिना भी वो एक सिग्नल दे देता है। तो क्रेमर डिजनरेसी शब्द को कैसे डिफाइन करोगे, कि इन जीरो फील्ड स्प्लिटिंग ऑलवेज एक्सेप्ट जीरो क्वांटम नंबर, अदर क्वांटम नंबर्स आर ऑलवेज डबली डिजनरेट, अदर जो स्प्लिटेड लेवल्स आर ऑलवेज डबली डिजनरेट, दैट्स व्हाई दिस डिजनरेसी इज नोन एज क्रेमर डिजनरेसी, ऐसे शब्दों में आप जमा के लिख सकते हो, इसके जस्ट नीचे लिख सकते हो आप, ठीक है जी। तो क्रेमर डिजनरेसी को मैं अलग से नहीं दिखाया हूँ, लेकिन यही समझा दिया हूँ। अच्छा, एक चीज और याद रखना, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दें, ऑन अप्लाइंग मैग्नेटिक फील्ड क्रेमर डिजनरेसी कैन बी रिजॉल्व, क्रेमर डिजनरेसी कैन बी रिजॉल्व। क्या बोला, ऑन अप्लाइंग द मैग्नेटिक फील्ड क्रेमर डिजनरेसी को खत्म किया जा सकता है, कैसे, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करके क्रेमर डिजनरेसी को खत्म किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है, मतलब ये फिर से अलग अलग सेपरेट दो लाइन बना लेंगे अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दूंगा तो। बट याद रखिए, यहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं हुआ है, यहाँ पर कोई बाहर का मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं हुआ है, नीचे लिख लेना आप। तो मैं एक तरह से इंट्रोडक्शन तो दे दिया हूँ, हालांकि मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा तो फिर कितने सिग्नल होंगे उसको दिखाना पुराने स्टाइल से ही होगा, लेकिन उसके लिए हम आगे क्वेश्चन करेंगे, आए भी है क्वेश्चन, लेकिन फिर हाल इस डेफिनेशन को समझने के लिए एक बार रिवाइज करते हैं। मैं बोला जीरो फील्ड स्प्लिटिंग मतलब जब हमने बाहर का कोई भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाया है और स्प्लिटिंग हो रहा हो, तो हम उसको जीरो फील्ड स्प्लिटिंग बोलते हैं। लेकिन क्या देखा गया है कि ये स्प्लिटिंग तभी संभव है जब इलेक्ट्रॉन की संख्या ग्रेटर देन 1 हो, 2, 4, 6 या 3, 5, 7 इस तरह से। तो जब ये दो केस बन जाते हैं इवन नंबर, तो इवन नंबर में हमेशा जो ट्वाइस एस प्लस वन जो आंसर आता है वो हमेशा ऑड आता है, जिसका एक जीरो बनता है, दूसरा प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 ऐसा अवेलेबल बनता है। तो यहाँ पर हमको देखो, अगर मैंने दो इलेक्ट्रॉन का लिया तो 2 का एस होता है 1, इसका रखा तो 3 आया, 3 मतलब 0 और प्लस माइनस 1 मतलब ये जो है ना ये 1, उसी के प्लस से उसी के माइनस की ओर, और प्लस माइनस के एक साथ ले लेना, पुराना ही स्टाइल है, लिखने का तरीका बदला है। इधर जब आ जाते हैं कम से कम इवन और नंबर में सबसे छोटा नंबर है 3, तो 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन और 3 को यहाँ रख दिए 3/2 और 2 × 3/2 प्लस 1, 2 कटा 3 और 1 4। अब जो 4 है तो यहाँ देखो इसके क्वांटम नंबर यहीं से शुरू हो जाएगा, इसका प्लस माइनस 3/2 और इसी के नीचे प्लस माइनस 1/2 ऐसा आंसर आ जाता है। यहाँ से देखें इस तरह से सिस्टम बन जाता है। अब ये भी बात की गई है कि जैसे ही हम लोग देखते हैं जीरो फील्ड स्प्लिटिंग में कोई जीरो को छोड़ के अन्य जो इस एम एस क्वांटम नंबर, इसको एम एस बोल सकते हैं, एम एस मतलब स्पिन क्वांटम नंबर इन मैग्नेटिक फील्ड जो बोलते हैं, हालांकि मैग्नेटिक फील्ड बोलना गलत हो जाएगा, लेकिन आप जान लीजिए कि वो टूटा हुआ लाइन का क्वांटम नंबर है।
तो वो क्वांटम नंबर जीरो को छोड़कर बाकी सब डबल लाइन होते हैं। तो डबल लाइन होते हैं मतलब दो, मतलब ये फील्ड जो है खुद का जो फील्ड है, खुद के दो इलेक्ट्रॉन का फील्ड इतना कमजोर होता है कि वो उस डबल लाइन को सेपरेट नहीं कर पाता। तो ये जो डबल लाइन का मिलना ही क्रैमर डिजनरेसी कहलाता है, ये डबल लाइन ही क्रैमर डिजनरेसी कहलाता है। डिजनरेसी मतलब सेम एनर्जी में दो, एक से ज़्यादा। लेकिन जैसे ही अभी तो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया तब की बात है, ये मैग्नेटिक फील्ड अगर अप्लाई कर दो तो यही जो डबल लाइन है वो सेपरेट हो जाएगा और फिर यही रूल से फिर ट्रांजिशन संभव हो जाएगा, वहाँ पर संख्या सिग्नल का बढ़ जाएगा। अभी तो सिर्फ एक एक सिग्नल दिखाया हूँ, बाद में अगर इसमें मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दूंगा तो वो सिग्नल की संख्या बढ़ जाएगी और फिर हमको नया आंसर आ जाएगा। तो चलिए ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है नेट में, उसको भी कराता हूँ, लेकिन पहले आप इसको कॉन्सेप्ट को नोट कर लीजिए, ठीक है जी। हाँ, क्रैमर डिजनरेसी डेफिनेशन लिखा हूँ, उसको लिख लेंगे कि इन द जीरो फील्ड स्प्लिटिंग ऑलवेज डब्ल्यू डिजनरेट लेवल्स आर फाउंड एक्सेप्ट एम एस इक्वल टू जीरो। तो इन दिस दैट्स वाई दीज आर नोन एज क्रैमर डिजनरेसी।